अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मुझे बहुत खुशी हो रही कि यहाँ का उत्तराखंड के लोग हमेशा मुझे कहते थे कि हमें जगह चाहिए, हमें भवन चाहिए, मैडम हमारे लिए शुल्कों से जगह मिलनी चाहिए। मगर आज सचमुच यहाँ भवन खड़ा होकर 2-3 दिन पहले ही जय ज्वाला माँ उत्तराखंड का कार्यक्रम था, उसमें भी हमने कहा था कि जल्दी ये उद्घाटन हो जाएगा और आज उद्घाटन हुआ है। हमें खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं, उनके सारे कार्यक्रम रहते हैं, मगर जगह की बहुत कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई है। और राज्यपाल जी से कहना चाहूंगी कि देखिए यह राजस्थान भवन है, गुजरात भवन है, सब भवन है, मगर महाराष्ट्र भवन नहीं है। महाराष्ट्र भवन के लिए जगह है मगर महाराष्ट्र भवन अभी तक बन चुका नहीं है। मुझे आपसे विनती है कि आप इस महाराष्ट्र के राज्यपाल है, आप भी सरकार से निवेदन करेंगे हमारे तरफ से कि जल्द से जल्द हमारा महाराष्ट्र भवन भी बन जाए, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखूंगी। दूसरी बात यह है कि हमारे महापौर नवी मुंबई के यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी कि सिडको ने हमें भी भूखंड दिया है, मगर महाराष्ट्र भवन होगा तो यहाँ जो आने वाले लोग हैं महाराष्ट्र से, उनको रहने की, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनका पर्यटन क्षेत्र बनेगा। आप भी महानगर पालिका से थोड़ा बहुत हाथ भार लगाकर जल्द से जल्द इसके बाजू में ही महाराष्ट्र भवन है तो वो हो जाएगा, ऐसे में आज के दिन अपेक्षा रखती हूँ। दूसरी बात है कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन है हमेशा पर्यटन में और संस्कृति में आगे है, हमेशा अपने गांव के सब कार्यक्रम यहाँ लेके आते हैं, उत्तराखंड से लोग लेके आते हैं, कार्यक्रम रहता है 3-3 दिन, 4-4 दिन हम उनको सहयोग करते हैं। राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, आप भी गए टाइम आए थे प्रोग्राम में, मैं आपके साथ में थी, बड़ा प्रोग्राम था कौथिक का और आप उसमें हाजिर थे। तो ये सब हमारी जो नवी मुंबई है एक मिनी इंडिया है, यहाँ हर कास्ट के लोग, हर जात के लोग, हर अपने स्टेट से आए हुए लोग यहाँ है, केरला है, राजस्थान है। मेरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है सर कि यहाँ सब कास्ट के लोग हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको यहाँ केरला भवन है सामने, हर एक के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं और हमको बुलाया जाता है। इनको हमारे सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से हमेशा सिक्योरिटी मिलती है, कभी यहाँ कोई दंगा प्रसाद मारामारी खून खराबा, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नवी मुंबई में कभी भी, लोग शांति से जीते हैं, सब धंधा करने आए हैं, उद्योग धंधा करने आए हैं, माँ उनकी उत्तराखंड में है, मौसी महाराष्ट्र में है और मौसी ने हमेशा इनको प्यार दिया है और हमेशा प्यार देती रहेगी। इतना कहकर आज मकर संक्रांति है, उसी शुभ अवसर पर ये भवन का उद्घाटन हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की सभी भाई और बहनों को और सभी मंच पर बैठे हुए लोगों को शुभेच्छा देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।